भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को चेताने के लिए कि हमारी कर्मचारियों की उत्तर प्रदेश के जो 22 लाख कर्मचारी हैं और भारत सरकार के जो करोड़ों कर्मचारी हैं उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए तथा जो सरकारी नौकरियों का निजीकरण किया जा रहा है उसको रोका जाए। हमारे जो संस्थान है उनका निजीकरण वापस लिया जाए। निजीकरण गरीब मजदूर किसान युवा छात्रों के सपनों पर कुठाराघात है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी पिछले 5 सालों से लगातार प्रदेश नेतृत्व और भारत सरकार से हम लोग विभिन्न चरणों में 7 दिसंबर को कार्यक्रम किया, उसके बाद 14 फरवरी को कार्यक्रम किया और लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारी एक सूत्री मांग है कि हम कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए जिससे हम लोगों का बुढ़ापा भी सुखमय बीते। लगभग जनपद के तकरीबन सभी शिक्षक और कर्मचारी संगठन हमारे साथ हैं, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन हमारे साथ है, लेखपाल संघ हमारे साथ है, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव एसोसिएशन हमारे साथ है, बिजली विभाग हमारे साथ है और जितने भी शिक्षक संगठन है, यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन हमारे साथ है, विशिष्ट BTC हमारे साथ है और जितने भी राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हमारे साथ है, प्रदेश के जितने भी शिक्षक संगठन है और कर्मचारी संगठन है उन्होंने प्रदेश नेतृत्व से लेकर हर जिले में आज ये कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित किया गया है और ये चेताने के लिए अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो 21 नवंबर को हम लोग इको गार्डन में महारैली करेंगे और फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो विधानसभा घेराव तक करने की हम लोग काम करेंगे। और हमारी पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग है कि हम लोगों की जो जायज मांग है, हम लोगों का अधिकार है, वो पुरानी पेंशन को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए। आवाज उपाध्यक्ष, ब्लॉक उपाध्यक्ष, महिलाओं की तरफ से मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। NPS से हमें कोई फायदा नहीं है और पुरानी पेंशन बहाल करेंगे तो आज की डेट में जो हम युवा बनकर जो बच्चों को दे रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, जब बुढ़ापा हमारा होगा तब हमें कोई देखने वाला नहीं होगा। और एक महिला होने के नाते मैं नहीं चाहूंगी कि मैं किसी पर भी निर्भर हूँ। सरकार से मेरी ये विनम्र मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल करें जिससे मैं बच्चों को जो अब अच्छे से पढ़ा रही हूँ और दे रही हूँ उसका मुझे कुछ फल प्रतिरूप में मिल सके। आज हम लोग अटेवा के बैनर तले पुरानी पेंशन और निजीकरण के खिलाफ, निजीकरण को बंद करने के लिए पैदल मार्च का कार्यक्रम जो गांधी पार्क से अम्बेडकर चौराहे तक आयोजित किया गया है उसके खिलाफ अनवरत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुरानी पेंशन जब तक नहीं पूरी हो जाएगी तब तक शिक्षक और कर्मचारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए विवश है और आंदोलन करेंगे। पुरानी पेंशन Please subscribe my YouTube channel, press the bell icon and never miss it.